हेलो दोस्तों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज इलेक्ट्रिक एंड व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लुमिनस का एक वाट जो कि ओवरलोड शो कर रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लुमिनस का इको वाट रखा है और मैं इसे बैटरी पर कनेक्ट करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बैटरी पर कनेक्ट हो चुका है और मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही ओवरलोड इसने शो कर दिया। तो चलिए दोस्तों पीसीबी को बाहर निकाल कर चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने पीसीबी को बाहर निकाल लिया है और बाहर निकालने के बाद ये जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा था ये अधिकतर मॉस्फेट शॉर्ट होने की वजह से आती है, मॉस्फेट पर ड्राइव ना आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मॉस्फेट शॉर्ट है या ड्राइव में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी आप ड्राइव चेक कराने वाला हूं। आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो फर्स्ट साइड ड्राइव ओके, सेकंड साइड ड्राइव ओके और तीसरी साइड भी ओके, और लेकिन ये वाली साइड जो है वो ड्राइव वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या है प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये तीनों साइड पर ड्राइव आ रही है, ये वाली साइड जो है ये वाली साइड बंद है, ये वाली साइड में जो प्रॉब्लम है ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें एक दो तीन और ये वाला चार और एक ये पाँच, पाँचों ट्रांजिस्टर आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। अभी मैं आपके सामने चेक करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ट्रांजिस्टर चेक करते हैं और देखते हैं ड्राइव क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा दिया है, मैं इसके ट्रांजिस्टर चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को। आप जो ट्रांजिस्टर अच्छे से चेक करें, सभी को अच्छे से निकाल कर चेक करें या अंदर जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे चेक कर लें। मैंने सारे ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद में एक पर मुझे डाउट हुआ, वो मैंने निकाल कर बाहर चेक किया तो वो ख़राब ही था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल रहा हूँ और इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालने के बाद मैं इसमें दूसरा नया ट्रांजिस्टर लगा दूँगा और ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगी, इधर ड्राइव वोल्ट आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पर नया ट्रांजिस्टर सोल्ड करने वाला हूँ, वो ख़राब ही था जो मैंने निकाल कर डाला। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ही मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाने वाला हूँ और ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ था। तो दोस्तों यदि आपके पास असेंबली पार्ट्स नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो अच्छे से इसे सोल्ड कर लें, सोल्ड करने के बाद अच्छे से साफ भी कर लें, थिनर वगैरह पेट्रोल जो भी आपके पास हो। तो चलिए मैं आपको ड्राइव चेक करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस साइड ही दिखाऊँगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5.9 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल ओके ड्राइव हो चुका है। तो ड्राइव ओके करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं, इन्वर्टर में लगा दें, पीसीबी को टाइट कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों चलिए पीसीबी को इन्वर्टर में सेट करते हैं और आउटपुट वगैरह चेक कर लेते हैं इसकी कैसी है क्या नहीं है। तो दोस्तों हम आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैंने इन्वर्टर में पीसीबी को लगा दिया है, पीसीबी को लगाने के बाद मैं इसे बैटरी पर कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट के बाद मैं इसकी आउटपुट चेक करने वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और इन्वर्टर ओके ऑन हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इन्वर्टर ऑन हो गया है और ओवरलोड की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं इसके और कोई फॉल्ट का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। क्लियरली मुझे कमेंट में बता दें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इको वाट में कोई भी प्रॉब्लम हो, इन्वर्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इस तरह की कोई भी इन्वर्टर में आपको किसी भी कंपनी के में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बताएँ, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इन्वर्टर से मैंने बल्ब जला के दिखा दिया और एम्पियर वगैरह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेन कनेक्ट करने के बाद मेरी बैटरी फुल है तो इसलिए शायद चार्जिंग शो ना करे, लेकिन
सेट बिल्कुल ओके।